your health as well as your studies. Today in this video, I am going to tell you about the explanation of a very interesting poem for class 10th, The Dust of Snow, Barf ka Tukda. बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है दोस्तों, और इसको हम एक्सप्लेन करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, बहुत ही मज़े के साथ. प्लीज़ एंजॉय करिएगा. अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करें. सो द पोएम स्टार्ट्स दैट द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री. मुझे एक सॉन्ग याद आ रहा है, मैं चाहता हूँ इसे ज़रूर कोट करूँगा. किशोर शाह का बड़ा मशहूर गाना है, अकेला गया था मैं ना आया अकेला, मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला. तो यहाँ पर कुछ ऐसी ही कैफियत है शायर की. पोइट अकेले जा रहा है, अचानक स्ट्रेस में है, बहुत परेशान है, टेंशन में है, और वो अपने आप को इस सारी प्रॉब्लम से दूर नहीं कर पा रहा है. वो कोशिश तो कर रहा है कि किसी भी समस्या को जो उसके साथ है या कोई प्रॉब्लम जिससे उसका पूरा दिन खराब होता जा रहा है, वो वहाँ से अलग सोचे, कुछ नया करे. पॉसिबल नहीं हो रहा है. अचानक क्या होता है, द वे आ क्रो, एक्सप्लेन करेंगे द वर्ड बाई वर्ड. जिस रास्ते से मैं गुजर रहा था, अचानक एक कौआ. यहाँ पर देखिए कितना बढ़िया सिंबलाइजिंग है. क्रो को हम अलग तरीके से कोट करते हैं हमारे यहाँ, बड़ उसे बहुत अच्छा नहीं माना जाता. लेकिन इंग्लिश पोइट्री में पोइट ने, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, एक अजीब तरीके से एक क्रो का इस्तेमाल किया है. वो यहाँ कुकू का इस्तेमाल भी कर सकता था, लेकिन उसने जानबूझकर क्रो का इस्तेमाल किया है. बिकॉज जो एटमॉस्फियर था उसका, वो चारों ओर जिस माहौल से गुजर रहा था, जिस रास्ते से, वो परेशान था. लेकिन उस परेशानी के बीच में, उस लाइफ में जो उसका अंधेरा है, जो डार्कनेस है, उस डार्क साइड से एक एक्टिविटी हुई, शूक डाउन ऑन मी. उसने अपने पंख फड़फड़ाए और जिस पेड़ पर वो था, जिसके नीचे से मैं गुजरा, द डस्ट ऑफ स्नो, अ पार्टिकल ऑफ स्नो, बर्फ का एक छोटा सा टुकड़ा उसके कंधे पे गिरा. फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री. दूसरा पेड़ भी देखिए, जहर का पेड़ है, जहरीला पेड़ है. तो यहाँ सिंबलाइजिंग है, प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया है, एलेगोरिकल मेथड है, दृष्टांत है ये, कि जहरीले पेड़ से कौए के द्वारा, मैं चाहता हूँ इसको ज़रूर आप बेहतर तरीके से समझें, जहरीले पेड़ से कौए के द्वारा, या नेगेटिविटी से एक पॉजिटिविटी निकल कर आए. ये मैसेज है इस पोएम का, कि कई बार नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी निकल कर आती है. उसी समुद्र मंथन से विष भी निकला, और उसी समुद्र मंथन से अमृत भी निकला, और उसी समुद्र मंथन से लक्ष्मी भी निकली. तो हम क्या जाने कि कब जो सामने दिख रहा है, जो नेगेटिविटी दिख रही है, उससे कब पॉजिटिविटी निकल कर आए. जैसे आजकल हम कोरोना के इस दौर में हैं, COVID-19 के, कितने नेगेटिव चारों तरफ एक अप्रोच है, लोग परेशान हैं, तकलीफ़ में हैं, मर रहे हैं. लेकिन ऐसा हमेशा देखा गया, ऐसी तकलीफ़ों के बाद भी एक पॉजिटिविटी आती है. जैसा कि कहा गया, रात कितनी भी गहरी क्यों ना हो, कितनी भी लंबी क्यों ना हो, वो ख़त्म होती है और सुबह उजाले के साथ ही होती है. सो एवरी डार्कनेस एंड्स. यहाँ पर ये मैसेज पोइट ने कहना चाहा है कि अंधेरे के बाद उजाला आता है. और अचानक उस कौए की, उस जहरीले पेड़ पर की गई एक्टिविटी, एक्सट्रीम नेगेटिविटी से एक पॉजिटिविटी हुई, और वो बर्फ का छोटा सा पार्ट, बर्फ का टुकड़ा उसके कंधे पे गिरा. हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड. और अचानक सब कुछ बदल सा गया. हम परेशान थे, हम बहुत डिजर्टेड मूड में थे, मन उदास था, छत पर टहल रहे थे. अचानक सामने हमने एक सॉन्ग याद है ना, हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का. अचानक हमने उड़ता हुआ दुपट्टा देखा, या किसी की मुस्कुराहट देखी, या किसी हंसने की आवाज़ सुनी, और एकदम सडनली हमारा मूड चेंज हुआ. या मोबाइल पर कई बार, एक अच्छा एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ, तुरंत अभी आया है, मोबाइल पर अचानक किसी का जैसे फ़ोन आया, और इतनी खूबसूरत रिंगटोन होती है कभी कभी किसी के, ऐसे ऐसे सॉन्ग होते हैं उसमें, तो उससे हमारा मन बदल जाता है. और वहाँ पर हमें एक ऐसा म्यूजिक सुनाई दिया जिसने सडनली हमारे माइंड को एकदम रिफ्रेश कर दिया.
तो यहाँ भी ऐसा ही हुआ, अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, और मेरा जो दिन जो लगभग बेकार हो गया था, मेरा वो दिन जो बिल्कुल ज़ाया था, वो मेरा दिन जो मैं परेशान था पूरा, अचानक इस छोटी सी घटना से, छोटे से इंसिडेंट से जो कि कौए के द्वारा की गई, मेरा पूरा दिन बदल गया। यहाँ पर मैं थोड़ा चेंज करना चाहूँगा, थोड़ी फिलॉसफी का यूज करिए कि कोई भी पोएम किसी भी पोइट की वो पर्सनल नहीं होती, यूनिवर्सल होती है। तो इसे थोड़ा सा ब्रॉड करते हैं इसका मीनिंग, यहाँ डे नहीं लाइफ की बात करेंगे अपने स्टाइल से, मैं कहना चाहूँगा फिलॉसफी के साथ। कई बार हमारी ज़िंदगी परेशान होती है, तकलीफ में होती है, तरह तरह की टेंशन में होती है, अचानक किसी का साथ मिलता है। और वो सॉन्ग आपने सुना है, तेरा साथ है कितना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा, तेरे मिलन की लिए हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। तो अचानक किसी का साथ, किसी का हाथ ज़िंदगी में इतना मायने रखता है। वो ज़िंदगी जो बेदाग, जो बेबस थी, वो ज़िंदगी जो तन्हाई में थी, वो ज़िंदगी जो परेशानी में थी, अचानक किसी का हाथ कंधे पर आया और किसी ने कहा मैं हूँ ना, और एकदम हमारी ज़िंदगी का नज़रिया बदला, और चेहरे पे जो खलिश थी वो मुस्कुराहट में बदली, और ज़िंदगी में जो बेनूरी थी, जो उदासी थी, जो गम थे, वो खुशी में बदले। एंड दिस मोमेंट, दैट इम्पॉर्टेंट मोमेंट, एक छोटा सा लम्हा ज़िंदगी को बदलने की ताकत रखता है। आपके कंधे पर रखा गया एक हल्का सा हाथ आपको हज़ारों गुना मोटिवेट कर सकता है। किसी का थोड़ा सा आपके लिए किया गया सपोर्ट, चाहे वो अनचाहे में ही क्यों ना हो, हमारी लाइफ को एक बूस्ट अप दे सकता है, हमारी लाइफ को आसमान पे पहुंचा सकता है। सो टेक द मीनिंग ऑफ द पोएम वेरी पॉजिटिवली, इट्स माइंड ब्लोइंग। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माई चैनल। लव यू ऑल।